गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट टर्न वी हैड डिस्कस टू रिमूव टू इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप यू हैव सक्सेसफुली डन इट. नाउ टुडे वी विल डिस्कस टू ऐड. And suppose the sentence is he is so tired that he cannot walk. इसमें से हमको टू ऐड करना है. इसमें हम लोगों ने पहले क्या किया था कि जहां पर टू था उसकी जगह हमने सो लगाया है, तो फिर वही काम कर देंगे, सो की जगह हम टू लगा देंगे और टायर्ड वैसे रखा रहेगा. दैट कंजंक्शन हमने लगाया था, उस दैट कंजंक्शन को हम हटा देंगे. ही हमने लगाया था उसको हम हटा देंगे और कैनॉट लगाया था उसको हम हटा देंगे. और जब भी हमें मेन वर्ब मिल जाए, वाक जैसे मिल गए, उसके पहले हम टू लगा दिए. अब सेंटेंस बन गया कि ही इज टू टायर्ड टू वाक. लाइक दैट अदर सेंटेंस, He was so poor that she could not pay her fee. She was so poor that she could not pay her fee. सबसे पहली चीज तो है कि यहां पर पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे कि so की जगह टू लगा देंगे. She was too poor. That हटा देंगे, see हटा देंगे, could not हटा देंगे और pay के पहले हम too infinitive लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा She was too poor. टू पे हर फी. सपोज करो सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि इट इज सो गुड दैट वन कैन नॉट गो आउट. इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट. तो इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट. हम क्या करेंगे कि इट इज सो की जगह हमने टी डबल ओ टू लगा दिया, तो इट इज टू कोल्ड हो जाएगा. वन कैन नॉट, वन हम अपने से लाते हैं, कैन नॉट अपने से लाते हैं, तो इन दोनों को रिमूव कर देंगे और जहां भी हमको गो मिल जाएगा उसके पहले हम टू गो आउट लगा देंगे. सेंटेंस बन जाएगा इट इज टू कोल्ड टू गो आउट. सेंटेंस है और बड़ा भी है. ये लिखा है कि दिस हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट एकोमोडेट एवरीबॉडी ऑफ माई फैमिली. माने इसका मीनिंग भी क्या है कि ये हाउस इतना छोटा है कि मेरे परिवार के हर सदस्य की एकोमोडेशन सुविधाओं को पूरा नहीं कर सकता है. तो अब हमें क्या करना है कि दिस हाउस इज सो, सो की जगह हम टू ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस हाउस इज टू स्मॉल. और इट दैट इट कैन नॉट, ये हमने वहां से हटा दिया. एकोमोडेट यहां पर मेन वर्ब है, तो टू अकोमोडेट एवरीबॉडी ऑफ माई फैमिली. सेंटेंस आपका बन गया दिस हाउस इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट एवरीबॉडी ऑफ माई फैमिली. दिस कोट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, कैन नॉट की जगह उसने डज नॉट लगा दिया है क्योंकि बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसने डज नॉट लगाया है कि दिस कोट इज सो लूज. माने ये कोट इतना लूज है कि ये मेरी बॉडी में फिट नहीं होता है और ये मेरी बॉडी में फिट नहीं हो सकता है. इससे अच्छा है कि इसमें डज नॉट लगा दिया, उसमें परेशान होने की बात नहीं है. दिस कोट इज टू लूज, सो की जगह हमने टू लगा दिया. दिस कोट इज टू लूज फॉर माई बॉडी. दिस कोट इज टू लूज फॉर माई बॉडी. इट डज नॉट फिट को हमने वहां से हटा दिया और चूंकि वर्ब नहीं है मेरे पास, इसलिए हमने इसको सीधे से दिस कोट इज टू लूज फॉर मी फॉर माई बॉडी बन गया. द केस वॉज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड. तो हम इसको क्या बना देंगे, द केस वॉज टू अर्जेंट. आगे ये कैन नॉट कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड है, तो ये आपका पैसिव फॉर्म में है.
हम लोग इसको बना लेंगे द केस वॉज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्ड, द केस वॉज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्ड। इस प्रकार से हम एड टू का प्रयोग करें। रिमूव टू और एड टू के बाद दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। कोई भी एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना, बट ये याद रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो रियल सेंस है वो ना बदले। तो इंटरचेंज हम एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदले लेकिन उसका सेंस ना बदले। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर एसर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें हम नॉट ऐड कर दें, और अगर वह असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में है तो उससे नॉट हम हटा लें। जैसे सपोज करो एक सेंटेंस है कि टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, यह आपका कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। और ये असर्टिव में निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों को हम असर्टिव बोलते हैं। तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट यह आपका बेस फॉर्म है, बेस सेंटेंस है, इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हो कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो प्रकार से हम बनाते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं या तो हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लाना पड़ता है, और लास्ट में मार्कअप इंट्रोडक्शन मार्कअप इंट्रोगेशन लगाते हैं। तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वाज को पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आए वाज, अब इसके बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट लाना है, तो वाज टैगोर। सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ नॉट जोड़ेंगे, सेंटेंस बन जाएगा वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब दोनों सेंटेंस का सेंस देख लो, कह रहा है कि टैगोर एक महान कवि था। हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन में बनाया कि क्या टैगोर एक महान कवि नहीं था, अर्थात था, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं था, अर्थात था, माने दोनों के सेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि नेवर आया हुआ है तो नेवर के स्थान पर इवर लाते हैं और नो के स्थान पर एनी लाते हैं। एक सेंटेंस आप देख लें, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो वही उसी प्रकार का रूल है, बिल को पहले ले आओ, बिल ही नेवर का अपोजिट इवर होता है, बिल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस, बिल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ये आपका सेंटेंस ट्रांसफर हो गया इंट्रोगेटिव में। सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, बहुत अच्छा सेंटेंस है, जरा इसको देखेंगे, नो वन नोज यू, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम डू या डस पहले लाते हैं। चूंकि यहाँ पर नो वन नोज लिखा हुआ है तो यह सिंगुलर है, इसलिए हम क्या आएगा यहाँ पर, डस आएगा, और नो है, नो का अपोजिट क्या होता है, एनी। तो डज एनी वन नो यू, डज एनी वन नो यू, सेंटेंस हमारा था कि नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। हमने बनाया क्या कोई तुमको जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता। इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, और अगर इसको नो वन नोज यू को अगर हमें लिख दें कि हु नोज यू, हु नोज यू, तो भी हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और इसका मतलब है तुम्हें कौन जानता, अर्थात कोई नहीं जानता। सेंटेंस आ गया, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर व्यक्ति महान बनना पसंद करता है। तो कौन महान बनना नहीं पसंद करता, या क्या कोई महान बनना नहीं पसंद करता, दो में से चाहे जो भी आप लगा लो। अगर आप इसको हु से बनाते हो तो हो जाएगा हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन महान बनना नहीं पसंद करता, अर्थात सब कोई करता है। अगर आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग टू देखते हो तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज पहले आएगा, डज एवरीबॉडी, क्योंकि यहां पर नॉट नहीं है इसलिए नॉट आप ऐड कर दो, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो।
एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये हमेशा पूछा जाता है, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। आप इसको बनाएंगे तो बहुत सरल सा तरीका है, मैंने अभी आपको बताया था नो का अपोजिट एनी होता है, इज आप पहले निकाल लो, इज एनी, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है इसको कि इसको जब चेंज करता है तो ये बताता है कि व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, ये भी इसका बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इसको हम जब भी बनाएं तो इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है और भी, कह रहा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका यश कभी धूमिल नहीं हो सकता, देयर THEIR देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो हम इसको बताएंगे, इसको बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं तो नहीं बन पाएगा, या इवर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम अगर ये बना दें कि व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका यश कब धूमिल हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता है। अब अगर आप इसको वैसे ही बनाना जैसे पहले बनाते थे तो कैन देयर ग्लोरी इवर फेड, क्या बन जाएगा, कैन देयर ग्लोरी इवर फेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से यह असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना हो गया। अब यहीं पर अगर हम ये देख लें कि इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो उसको हम असर्टिव कैसे बनाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब कि जो हमने इसमें किया है वो वैसा नहीं करेंगे तो अपने आप बन जाएगा। सपोज करो लिखा है कैन आई इवर विन द फर्स्ट प्राइज, कैन आई इवर विन द फर्स्ट प्राइज, इवर हम कहां लगाते थे, जब हमारे सेंटेंस में नेवर आता रहा है, कैन हम शुरू में निकाले हैं तो ये बीच में चला जाएगा, और ये कैन आई है तो आई पहले आ जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, क्या बन गया, आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। सेंटेंस बनना है इज लव नॉट ब्लाइंड, इज लव नॉट ब्लाइंड, तो हम क्या करेंगे, ये इसको पहले निकाला है, इसको हम बीच में ले जाएंगे और हम यहां पर चूंकि नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। तभी तो इसको हमने जब इंट्रोगेटिव बदला तो इच को पहले निकाला, लव लिया, फिर नॉट लगाया, तब जाके ट्रांसफर हुआ। अब वही चीज हम फिर से हटा देते हैं, वहां से नॉट हटा देते हैं और जो इच लगा है पहले उसको बीच में ले आते हैं, बन जाएगा सेंटेंस लव इज ब्लाइंड। एक सेंटेंस लिखा है हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, माने कौन धनवान होना पसंद नहीं करेगा, अर्थात सब कोई करेगा, तो क्या बना दोगे, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच। अभी मैंने एक सेंटेंस ग्लोरी वाला बताया था, एक ग्लोरी वाला सेंटेंस मैंने बताया था कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो आपने क्या बनाया था व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, एक इसी तरह का सेंटेंस है कि व्हेन कैन द पैट्रियट डाइज, पैट्रियट माने होता है देशभक्त, देशभक्त कब मर सकता है, अर्थात कभी नहीं मरता है, तो द पैट्रियट कैन नेवर डाई, द पैट्रियट कैन नेवर डाई, है ना, व्हेन लगा हुआ है तो इसको आप बना दोगे द पैट्रियट कैन नेवर डाई। एक सेंटेंस और इसमें लिखा हुआ है और बहुत अच्छा सेंटेंस है, और ये लिख रहा है कि व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसको हमको अब बनाना है जाकर के असर्टिव। तो सीधे से इसमें कुछ भी नहीं करना है, व्हाई वेस्ट टाइम जहां पर लिखा हुआ है, व्हाई वेस्ट टाइम जहां पर लिखा हुआ है, तो सीधे से व्हाई की जगह आपको क्या ले आना, इट इज एक्सट्रीमली फॉलिश, क्या ले आना, इट इज एक्सट्रीमली फॉलिश, और जैसे आपको वेस्ट मिल जाए उसके पहले टू लगा दो, इट इज एक्सट्रीमली फॉलिश टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस इफर्ट, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, एक सेंटेंस ऐसा भी पूछा जाता है व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, तो व्हाई की जगह इट इज एक्सट्रीमली फॉलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश।
If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.